हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को टेबल के माध्यम से समझेंगे, बाकी डिटेल में हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको जो है एक्टिव पैसिव का ब्रीफ आइडिया जो है हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसेस के बारे में कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो कितने टेंस के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं वो आप देखेंगे कि 8 जो टेंसेस हैं उनके बनते हैं। वैसे तो हमारे 3 मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन यदि हम प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 को काउंट करते हैं तो हम 12 कह देते हैं। तो वैसे हमारे 3 टेंस हैं, लेकिन अगर हम एक्टिव पैसिव के हिसाब से देखें तो फिर जो टेंस के जो प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के हैं, पास्ट 4 के और फ्यूचर 4 के, तो उस हिसाब से जो है फिर 12 टेंस हो जाते हैं। तो उनमें से 8 टेंस के जो हैं एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसके बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इसके भी बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के बनते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के बनते हैं, पास्ट परफेक्ट के बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के बनते हैं और फ्यूचर परफेक्ट के बनते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नहीं बनते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नहीं बनते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनते और फ्यूचर कंटिन्यूस के नहीं बनते। तो तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और एक फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके जो है हम एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो जो बाकी 8 टेंस हैं उनके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल इसका दे रखा है एक्टिव वॉइस में, अनु रीड्स ए लेटर, अनु पत्र पढ़ती है। तो रीड्स जो है यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। तो पहचान है ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो रूल कहता है कि हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव करते वक्त हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये जो ए लेटर था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। फिर ए लेटर के साथ लगेगा इज और फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म जो है रेड हो जाएगी, वही रहती है स्पेलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। और फिर बाई लगाना होता है हमें पैसिव करते वक्त, और अनु जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो अनु रीड से लेटर का पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर इज रेड बाई अनु। अब चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। सेम हमने नाम दे रखे हैं सभी में अनु, और वही वाक्य है, बस टेंस चेंज है। अनु इज रीडिंग ए लेटर, अनु पत्र पढ़ रही है। तो अब यहाँ पर इज रीडिंग आते ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो उसमें जो रूल चलेगा पैसिव वॉइस में वो होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिले तो उसका पैसिव का रूल है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। तो ए लेटर पहले आ जाएगा, फिर ए लेटर के साथ इज लगेगा, फिर मैंने बताया था कि बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म रेड होगी और फिर बाई अनु। तो ए लेटर इज बीइंग रेड बाई अनु। तो ये आपका पैसिव वॉइस है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। अनु हैज रेड ए लेटर, अनु ने पत्र पढ़ लिया है या अनु पत्र पढ़ चुकी है। तो यहाँ पर अनु के साथ लगेगा हैज। वैसे यहाँ पर हैज और हैव दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अनु सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हैज आएगा। और फिर
रेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो पैसिव करेंगे तो हैज ऑब्लिक हैव, वो जैसे भी जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, फिर बीन आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही बात जो मैं बताता रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ए लेटर पहले आ जाएगा, फिर हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाई, और फिर अनु। तो अनु हैज रेड ए लेटर का बनेगा, ए लेटर हैज बीन रेड बाई अनु। अब चलते हैं हम फोर्थ पे, पास्ट इंडेफिनिट। अनु रेड ए लेटर, तो यहाँ पर जो रेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये याद रखें आप कि अनु रेड ए लेटर, अनु ने पत्र पढ़ा, तो सेकंड फॉर्म है। तो फिर रूल क्या कहेगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, सब्जेक्ट बन गया ए लेटर, फिर वाज आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म थी इसलिए ए लेटर के साथ वाज लगेगा, फिर रेड थर्ड फॉर्म, फिर बाई अनु। तो अनु रेड ए लेटर का बनेगा, ए लेटर वाज रेड बाई अनु। अब चलते हैं फिफ्थ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अनु वाज रीडिंग ए लेटर, अनु पत्र पढ़ रही थी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो ई जे एम आर लग जाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर लग जाते हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर वाज बीइंग रेड बाय अनु, ए लेटर वाज बीइंग रेड बाय अनु, एक पत्र अनु के द्वारा पढ़ा जा रहा था। अगर हम पैसिव वॉइस में इसको कहें तो इसकी हिंदी इस तरह से होगी। तो रूल आपको दे रखा है यहाँ पर, जबकि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसका रूल होता है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर वाज बीइंग रेड बाय अनु। सिक्स्थ पर चलते हैं, पास्ट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस हो जाएगा अनु हैड रेड ए लेटर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। तो रूल हो जाएगा इसका हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, लगभग वैसा ही है प्रेजेंट परफेक्ट जैसा, बस हैज हैव की जगह हैड है। और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रेड बाय अनु, ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर हैड बीन, फिर रेड, और फिर बाय अनु। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनु विल रीड ए लेटर, अनु फिर विल आ गया आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और फिर ए लेटर। तो इसका जो रूल होगा पैसिव वॉइस में वो विल ऑब्लिक शैल, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर बी, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर रेड हो जाएगी बाय अनु। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीड रेड और रेड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग सेम है। तो ए लेटर विल बी रेड बाय अनु। लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट, अनु विल हैव रेड ए लेटर। तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट है ए लेटर, और अनु सब्जेक्ट है। इसका रूल क्या कहेगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस हो तो पैसिव का रूल होगा विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लेटर को हम पहले लगाएंगे, लेटर के साथ लगेगा विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर रेड, और फिर बाय अनु। ए लेटर विल हैव बीन रेड बाय अनु। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है टेबल के माध्यम से जो 8 टेंसेस हैं उनके एक्टिव टू पैसिव करने सीखे हैं, उसके रूल्स को समझा है। आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में इस चैप्टर को। हम अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मान लो असर्टिव है आपका, इंट्रोगेटिव है, तो इस तरह से हम उनको भी देखेंगे, इम्पेरेटिव को देखेंगे। तो असर्टिव हो गया सेंटेंस आपका, इंट्रोगेटिव हो गया आपका, इम्पेरेटिव हो गया, इस तरह से हम देखेंगे सेंटेंसेस को धीरे धीरे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम इसको करेंगे। तो
डिटेल्स में जो है इसको एक्टिव पैसिव को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको जो है ब्रीफ आइडिया दिया गया है, और जैसे नेक्स्ट वीडियो में हमने पहले असर्टिव सेंटेंस कर लिए एक्टिव पैसिव के, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव कर लिए, फिर इम्पेरेटिव कर लिए, तो इस तरह से सारे आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में। होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।